हेलो एवरीवन, दिस इज मी रमजट एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ जी आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो गाइज, आज हम लोग जा रहे हैं लाहौर। पहले कोई काम है, पहले वो काम करेंगे, उसके बाद टाइम मिला तो हम लोग करेंगे शॉपिंग। आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करूंगी कि आज हम लोग क्या क्या शॉपिंग करते हैं। आप लोगों ने यूं ही बने रहना है, वीडियो को स्किप नहीं करना, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। घर से निकलते हैं, निकलते ही हमें बहुत ज्यादा टाइम हो गया। तकरीबन हम लोग 5 बजे घर से निकले हैं और जब तक हमने लाहौर पहुंचना है तब तक तो तकरीबन 8 या 8:30 का टाइम हो ही जाना है। मस्तली इतना ही हो जाना है टाइम। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस टाइम फैक्ट्री की ऑफ होती है और बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो जाती है। तकरीबन आधा घंटा हम लोग ट्रैफिक में रुके रहे हैं। बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो गई थी, इतनी लंबी लाइन लग गई थी। फैमिली के साथ मैं वीडियो काम ही बनाती हूँ, मैंने सोचा मैं शॉर्ट शॉर्ट क्लिप ले लेती हूँ तो आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूंगी, इसलिए मैंने शॉर्ट शॉर्ट क्लिप ले ली है। और ट्रैवल करें और कुछ खाएं ना, ये तो हो नहीं सकता। मैं जब भी ट्रैवल करूँ तो मैं साथ कुछ हल्का फुल्का ले लेती हूँ, ऐसे ट्रैवल भी अच्छा हो जाता है और बहुत मज़ा मतलब आता है ट्रैवल करने में भी। यहाँ पे अगर मैं कुछ खाऊँ ना ना तकरीबन 2-3 घंटे तो मेरे तो पेट में पेन होने लग जाती है, इसलिए मैं कुछ हल्का फुल्का पास रख लेती हूँ या इधर से ही ले लेते हम लोग। सो गाइज, अभी तो हम लोग रास्ते में हैं और यहाँ पे हमें हो गया है अंधेरा। इतना अंधेरा नहीं, मैं अभी थोड़ा ही हुआ, तकरीबन टाइम हो रहा है यहाँ पे 7 बजे का। यहाँ से मैंने लिए हैं 2 मोतिये के गजरे, मुझे ये बहुत अच्छे लगते हैं, पसंद भी हैं मुझे। मैंने घर में ना इसके 3-4 प्लांट्स भी ला के रखे हुए मोतिये के, मुझे बहुत अच्छी इनसे स्मेल आती है, इसलिए मैंने 2 इधर से लिए हैं। और यहाँ पे हम लोग पहुंच गए हैं। अब थोड़ा टाइम इधर स्पेंड करेंगे, इसके बाद हम लोग करेंगे शॉपिंग। इस दफा हम लोग क्रीम ब्लॉक से करेंगे शॉपिंग, हादी के लिए भी कुछ शॉपिंग वगैरह करनी है। सो गाइस, अब हम लोग आ गए क्रीम ब्लॉक, इधर से हम लोग करेंगे शॉपिंग। मैंने लेने हैं अपने लिए कुछ ड्रेस वगैरह, अब देखते हैं। क्रीम ब्लॉक में आए हम लोग, साथ ही थी तो इसलिए हमने सोचा इधर से आज शॉपिंग करते हैं, देखते हैं इधर से क्या मिलता है। इसलिए करूंगी अपने लिए शॉपिंग, सबसे पहले मैंने अपने ड्रेस वगैरह लेने, फिर उसके बाद घर वाले करेंगे अपनी शॉपिंग। मैंने कहा हर दफा मैं ही रह जाती हूँ, पहले आप लोग ले लेते हो, ऐसे ना फिर कहते हैं कि टाइम बहुत कम है जल्दी करो ये वो, इसलिए मैंने कहा कि मैं इस दफा पहले शॉपिंग करती हूँ, बाद में आप लोग करना। तो ये प्लाजा क्रीम ब्लॉक मिंटर होते ही ना, तो मेन रोड पे ये इसका नेम प्लेस है, बहुत अच्छी इनके पास कलेक्शन है। बट मैं इधर से फर्स्ट दफा शॉपिंग कर रही हूँ, घर वाले इधर से करते हैं शॉपिंग, तो इसलिए मैंने सोचा इस दफा मैं भी इधर से शॉपिंग करती हूँ। इनका मुझे सेटअप बहुत अच्छा लगा है, लॉन्ग मैक्सी एक साइड पे है और शॉर्ट फ्रॉक एक साइड पे है, और ज्यादा शॉर्ट जिसने शर्ट्स वगैरह बाय करनी है तो वो अलग उसका एरिया बना हुआ है। इधर बच्चों के भी बहुत अच्छी कलेक्शन थी, मतलब ना इसके 5-6 पोर्शन बने हुए हैं, तो अलग अलग पोर्शन पे ना बच्चों के अलग हैं और लेडीज के अलग हैं, बॉयज के अलग हैं, बहुत अच्छा इसका सेटअप है। ये वाली फ्रॉक मैंने बाय की है, बट मैं बाद में आप लोगों को दिखाऊंगी क्या क्या मैंने शॉपिंग की है। और ज्यादातर ना इनके पास रेशमी स्टफ है, ज्यादा इनकी कलेक्शन भी रेशमी में ही है। ये जोन से शर्ट मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये सारी रेशमी स्टफ में है। मैंने तो कर ली है अब अपने लिए शॉपिंग, जो मैंने लेना था ले लिया। और अब यहाँ से मेरी मामा मेरी सिस्टर के लिए शर्ट्स वगैरह देख रही हो, वो शॉर्ट वेयर करती है और मैं मतलब ना इतनी शॉर्ट और ना इतनी लॉन्ग वैसे वेयर करती हूँ, तो वो शॉर्ट वेयर करती है, उसके लिए इधर से देख रही है शॉर्ट शर्ट्स। इनके पास शॉर्ट शर्ट्स तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी ना, वैसे इधर वेयर नहीं कर सकते तो इसलिए मैंने नहीं ली, बट मामा इधर से देख रही है, बहुत इनके पास अच्छी कलेक्शन थी शॉर्ट शर्ट्स की, आप लोग सोच भी नहीं सकते गाइस। और प्लाजो भी इनके पास बहुत अच्छे थे, ये जो लाइनिंग वाला प्लाजो लगा हुआ है ऐसा मामा मेरे लिए लेके भी आई थी तकरीबन 3-4 मंथ पहले, इधर से ही लेके आई थी। तो अब इस दफ़ा मैंने ये फर्स्ट वाला प्लाजो लिया है येलो कलर का, ये बहुत अच्छा मुझे लगा तो इसलिए मैंने ये वाला बाय कर लिया। ये जोन से मैं शॉर्ट शर्ट्स दिखा रही हूँ, इनमें से सेंकड वाली शर्ट मामा ने लिया है मेरी सिस्टर के लिए, ये रेशमी स्टफ में बनी हुई है, बहुत मतलब ना लाइट वेट है। और ये जोन से मैं अब देख रही हूँ शर्ट्स, ये तो इनके तो स्लीप भी नहीं बने हुए, बहुत मतलब ना अजीब सी लग रही है, वैसे अच्छी बनी हुई बट इनके स्लीप नहीं है, तो इसलिए ये नहीं मामा ने ले कर दी। स्कर्ट की भी इनके पास बहुत अच्छी कलेक्शन थी, इधर से हर टाइप का ड्रेस आप लोग बाय कर सकते हो, जैसा भी आप लोगों ने लेना। और अब हम लोग जाने लगे हैं वापस, आप लोगों ने भी देखा होगा क्या कि हमने शॉपिंग
इधर बच्चों के बहुत ज्यादा अच्छी कलेक्शन मिलती है, इसलिए इधर आए हम लोग। आओ इधर तुम्हारे साइज के बार्बी फ्रॉक पड़ी हुई है। ये व्हाइट मैक्सी है, अच्छी लग रही है। ये लगा के देखो एक साथ अपने, ये वाले लगा के देखो, बहुत ये ना इसका वजन बहुत ज्यादा है। इधर देखो, हाँ ये तुम्हारे साइज के, वो साथ वाले पिंक देखो, ओ शिट नीचे क्यों गिरा दिया, वजन बहुत ज्यादा है इसका, तुम सिर्फ चलाने जाना जब पहनोगी। इधर देखो, हाँ अच्छी लग रही है। अभी इसमें छोटे भी मिल जाएंगे ना, हादी के साइज के भी मिल जाएंगी। देखो क्या प्राइस, वाओ इधर हादी के साइज के भी बार्बी फ्रॉक पड़ी हुई है। इधर लेंगे एक हादी के लिए भी, इधर से लेंगे एक हादी के लिए भी बार्बी फ्रॉक। क्या ये वाली नहीं अच्छी लग रही, ये वाली ज्यादा अच्छी लग रही है जो उनसे हमने अब देखी है। मैंने ये वाली, ये देखो ये भी तुम्हारे साइज का है, समन के साइज के भी इधर कपड़े हैं, बहुत अच्छे अच्छे हादी के लिए तो मामा ले रही है। तुम देखो अपने लिए देखो लगा के साथ, हाँ ये भी अच्छी लग रही है, ये ले लो उसकी जगह फ्रॉक ना लो, ये वाली अच्छी लग रही है। ये वाली फ्रॉक हमने हादी के लिए एक ली है, मेरी एक सिस्टर ने पिंक कलर की लिया जो उनसे आगे वो साथ लगा के दिखा रही है, एक हादी के लिए ली है मैंने अपनी चॉइस के लिए। सारी मार्केट है आप लोग गाइस देख सकते हो, सब कुछ मिल जाता है। मैंने बॉयज वाली टी शर्ट क्या करनी है, बहुत ज्यादा इधर स्टॉल भी बाहर भी लगे हुए हैं। चलाओ चलो इधर। सो गाइज अब हम लोग इधर आए हैं खाना वगैरह खाने, पहले घर वाले चले गए थे यासर ब्रोस, मैंने जिद की कि मैं हमने उधर से नहीं खाना, हमने इधर से खाना खाना है। मैं जब भी आऊँ ना तो मैं ये वाले होटल से इनकी कढ़ाई बहुत मज़े की होती है ज़रूर मैं टेस्ट करती हूँ। हाजी उस्मान होटल से इनकी चिकन कढ़ाई बहुत मज़े की होती है, इसलिए मैंने कहा हमने इधर से खाना खाना है, तो फिर हम लोग इधर आ गए। इनकी कढ़ाई बहुत मज़े की होती है, आप लोग भी ज़रूर टेस्ट करना। यहाँ पे खाना वगैरह हमारा आ गया, मुझे तो बहुत ज़्यादा आज भूख लग रही थी, आप लोग सोच भी नहीं सकते, आज तो हादी हो गई है। सो यहाँ पे अब हम लोग जा रहे हैं घर वापस। आई होप आप लोगों ने भी मेरा आज का व्लॉग इंजॉय किया होगा, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और मिलती हूँ मैं आपसे कोई न्यू वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना, तब तक ले।